सुरेंद्र राजपूत जी, जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी शायद सफर में बनी भी ना रह पाती, सफर तय ना कर पाती, मजबूरी कांग्रेस के सामने भी है कि अगर साइकिल की सवारी हो जाती है तो कुछ दूर का सफर तो पूरा होगा, ये वाकई वही जो सवाल उठाए जा रहे हैं सही है? अक्षय, जब ये मीडिया में मीमांसाएं होती हैं तो कभी कभी कुछ निर्म मीमांसाएं होती हैं, हम उन निर्म मीमांसाओं का भी हमेशा धनात्मक ऊर्जा से स्वागत करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आपका अपना मानना है, गोविंद जी का अपना मानना है कि हमारी ताकत है नहीं है, वो अपनी जगह पर है। हमारी ताकत तो हम आपको ये भी याद दिला दें कि 2009 में भी हमारी ताकत नहीं थी और हम सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में 22-1 23 सांसद जीत करके आए थे, ऐसी तो बात नहीं है। तो ये अपनी जगह पर है, जनता किस वक्त किसको राजा बनाती है, किसको नीचे कर देती है। 1984 में जिस पार्टी को 2 सीटें दी थी जनता ने, उस पार्टी को 2014 में 283 सीटें दे दी। तो ये हमें कोई मुकालता नहीं है, हम 128 साल की पुरानी पार्टी हैं और इसके 128 सालों में तमाम तरीके से हमने ऊंच और नीच देखी है। आजादी के आंदोलन में भी हमें इसी तरीके से कहीं ना कहीं डिमोरलाइज करने की कोशिश की जाती थी कुछ विदेशी अखबारों के द्वारा। वो हम डिमोरलाइज फोर्स न होकर के दूनी ऊर्जा से हम लोग काम करते थे और कहीं ना कहीं हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। आज की डेट में हमारा लक्ष्य अगर आप देखें अक्षय, तो हमारा लक्ष्य है सांप्रदायिक शक्तियों को किसी भी सूरत में उत्तर प्रदेश में रोकना।